अयोध्या में जहां भी आप देखेंगे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और सभी सड़कें इस वक्त राम मंदिर की ओर जा रही है। जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। कहाँ से आए आप लोग? ओडिशा से आए हम। ओडिशा से आए हाँ। और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं जी, दर्शन के लिए आए, दर्शन के, रामलाला के दर्शन के लिए आए हैं। नमस्कार, जय श्री राम। वर्तमान 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं, खुशी समाया नहीं जा रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग कहाँ से हैं? I'm from New York. Okay. I speak English. Okay, no only very little Hindi. Yeah, sure. What was your first reaction after? Oh wow, this darshan was absolutely amazing. I mean, we all watched it on the live stream yesterday, but actually going to see Lord Ram today was a very moving experience. Somehow or other, I got to be one of the first people in the queue. I don't know how it happens. It's not my country, but I'm just so grateful to be a part of this. Did you manage to pay the... Yes, I had darshan. I was like the third lady that was allowed through the gate. What time you were in queue? This queue outside? Yes. Probably 5:30 in the morning. I don't know what the time is now. I left my phone at home, all this. सुबह के पाव फटते के साथ ही राम भक्तों का जो रेला पहुंचा है राम मंदिर में, वो तस्वीर देखिए टीवी 9 भारत पर्स पे, वो तस्वीर आपको दिखने में जा रही होगी। जहां तक नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में भक्तों का हुजूम पहुंच गया है, जनसैलाब उमड़ आया है और जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की तरफ आ रहे हैं। एक से तिल रखने की भी जगह इस जगह पे नहीं नजर आ रही है और बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। सुबह में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को कई तरह के उपाय भी करने पड़े। और ये देखिए, आपको जहाँ भी जो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन इस जगह पे जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रशासन ने जितनी शायद उम्मीद की होगी उस उम्मीद से इतर यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि प्रशासन का दावा था कि हम 2 लाख लोगों को यहाँ पे एक साथ समाहित कर सकते हैं, लेकिन जो सुबह से लोग आ रहे हैं वो भीड़ बहुत ज़्यादा है और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोग कोशिश तो लगे हुए प्रशासन की, लेकिन अभी भी उस तरह की सफलता आपको नज़र नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये वो है जहाँ पे स्कैनिंग होके और फिर लोग निकलते हैं। वहाँ पे देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह खड़ी है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इनको जाने से या नियंत्रित किया जाए ताकि कहीं कोई परेशानी ना हो। लेकिन राम भक्तों का रेला एक बार फिर आ रहा है। ये भीड़ की उम्मीद शायद एक तरह से कह सकते हैं प्रशासन ने की होगी, जिसमें यह बताया गया था कि देखिए राम भक्त जो है जय श्री राम के नारे भी नीचे से लगा रहे हैं। और वो दूसरी तरफ में एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे जो है यहाँ पे लग रहे हैं। और ये सुबह से चल रहा है और अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और इस रेले में कैसे दर्शन हो पाएगा, किस तरीके से हो पाएगा और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं, इसके लिए फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ इतना बोला गया है कि हम 2 लाख लोगों को एक साथ समाहित कर सकते हैं, लेकिन इस भीड़ में कैसे पकड़। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।